मैं उनको चाचू चाचू कहता हूँ और उन्हीं के पास जा रहा हूँ। उनको कुछ पैसे देने थे मैंने। सुबह का 8:30 का टाइम है जी इस वक्त, यानी कि सुबह के 8:30 बज चुके हैं। ये कब्र मेरे वाले साहब की है और मेरे वाले साहब को इस दुनिया से गए हुए 14 साल हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राणा शहजाद और आप देख रहे हैं व्लॉगर बडीज चैनल। तो आज माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल मुबारक का दिन है और 9 मुहर्रम है जी। तो एक दो काम थे जो मैं करने के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। तो चैनल करते सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो व्लॉग हमारा शुरू हो चुका है। यहाँ पर मेरे वाले साहब के दोस्त रहते हैं इस गली में और मैं उनको चाचू चाचू कहता हूँ और उन्हीं के पास जा रहा हूँ। उनको कुछ पैसे देने थे मैंने। आज जी 10 मुहर्रम है और हफ्ते का दिन है। तो आया हूँ मैं छत पर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ज़बरदस्त है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, माशाल्लाह काले बादल आए हैं और ज़बरदस्त मौसम है। देखें जी, सुबह का 8:30 का टाइम है जी इस वक्त, यानी कि सुबह के 8:30 बज चुके हैं और ज़बरदस्त मौसम है। तो जी आज 10 मुहर्रम है तो थोड़ी देर में जाना है जी कब्रिस्तान। तो बारिश जो वो शुरू हो चुकी है और हवा जो है वो तेज़ चल रही है, ये आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त छत पर मौजूद हूँ और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है, ये आप देख सकते हैं। और बारिश जो है वो हो रही है हल्की हल्की सी। मौसम ज़बरदस्त है माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, मैं ऊपर वीडियो बनाने के लिए आया था तो मोहम्मद इब्राहिम जो है वो नीचे रोना शुरू हो गया जी, मुझे भी ऊपर लेके आओ। तो अब मैं इसको भी नहीं ऊपर लेके आया हूँ छत पर, और ये इसके सर पर मशीन लगवाई है पिछले दिनों में। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। वापस चल 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 वापस चल।
मैं जी इस वक्त आया हूँ कब्रिस्तान, पिंडी वाला कब्रिस्तान है ये। अस्सलामु अलैकुम। जी दोस्तों, ये कब्र मेरे वालिद साहब की है और मेरे वालिद साहब को इस दुनिया से गए हुए 14 साल हो चुके हैं। तो मैं इनकी कब्र पर फातिहा खाने के लिए आया था। ये मेरी दादी की है और वो मेरे दादाजी की है और साथ में ये मेरे रिश्तेदारों की कब्रें हैं। बारिशों की वजह से कई कब्रें जो है वो बैठ चुकी हैं, ये दोबारा लोग आए हैं मरम्मतें कर रहे हैं, ज़्यादा कि वो भाई लगे हुए मरम्मत करने। ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म और आपसे चाहते हैं जी इजाज़त, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखें, आपकी तमाम परेशानियाँ और मुश्किलें हल फरमाएँ और आपको एक सेहतमंद ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।